आईआईटी कानपुर से लगा हुआ एक नानकारी गांव है और आईआईटी और नानकारी के बॉर्डर पर है एमटी, जहां की चाय जग प्रसिद्ध है। नानकारी के कारण एमटी थी और एमटी की चाय और लस्सी छात्रों की जान थी। हनुमान भक्तों के लिए एक छोटा सा मंदिर भी एमटी में ही था और एमटी की शान एमटी से लगा हुआ छोटा सा नीम का जंगल था, जिसमें 99% नीम के पेड़ थे। एमटी से लगा हुआ हॉस्टल 2 भी था, जिसे हॉल 2 कहते हैं। अब हॉल 2 के बच्चे जंगल में अक्सर शांति से बैठकर चाय पिया करते थे और अपने सभी मसलों को, जो कि ज्यादातर लड़कियों के बारे में होते थे, हल करते थे। और इस कारण हॉल 2 वालों को इस जंगल से बहुत प्रेम था। हॉल 3 के बच्चों को एमटी की चाय की जगह लाला की चाय पसंद आती थी। लाला हॉल 3 की कैंटीन चलाता था, इसलिए हॉल 3 के बच्चे इस जंगल में बहुत कम आते थे। हॉल 3 के नेता शिरीष और मुनीश को इस जंगल में एक तरणताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि शिरीष खुद स्विमिंग चैंपियन था और बिना सांस लिए 25 मीटर के पूल की लंबाई पार कर जाता था। और दूसरी तरफ हॉल 2 के नेता निकुंज और राहुल दोनों ही पर्यावरण प्रेमी थे। अपने अपने स्कूल सैनिक स्कूल लखनऊ और साइंस कॉलेज पटना में निकुंज और राहुल दोनों ने पर्यावरण के अनोखे प्रयोग किए थे, पर यहां उनको पूरे छात्र समुदाय को अपने साथ लेना था, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल को शिरीष और मुनीश के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव पर निर्णय लेना था। शिरीष ने हॉल 2 के छात्रों को लुभाने के लिए एक नई चाल चली। सभी छात्रों का साथ और विकास कहते हुए प्रस्ताव में एक संशोधन कर दिया। पूरा जंगल काटने की जगह संशोधित प्रस्ताव के अनुसार नीम के ही पेड़ कटेंगे, जो कि बहुत आयत में है, जिससे कि जंगल में 98% नीम के पेड़ बचेंगे। हॉल 3 के बच्चों का शिरीष और मुनीश के प्रस्ताव का पहले से ही समर्थन था, पर संशोधित प्रस्ताव के अनुसार हॉल 2 के छात्रों को भी ये नया प्रस्ताव पसंद आ रहा था। अब हॉल 2 के नेता निकुंज और राहुल के लिए परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें किसी भी हाल में पर्यावरण, चाय और लस्सी प्रेमी हॉल 2 की जनता के लिए जंगल बचाना था। समय भी ज्यादा नहीं था। अब आप ही बताइए कि निकुंज और राहुल ने क्या किया और जंगल को कैसे बचाया। शिरीष और मुनीश के उस प्रस्ताव के अनुसार नीम का कितना जंगल कट जाता। खैर, इस पूरे प्रकरण के काफी फायदे हुए। पूरा छात्र समुदाय खेल और पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक हो गया, जंगल भी बच गया और नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल 3 के पीछे वाली जमीन पर बन गया। और इस प्रकरण की प्रेरणावश कहानी के दो पात्र अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में मध्य प्रदेश और बिहार में कार्यरत हैं। शिरीष अब भी पानी में 25 मीटर की दूरी बिना सांस लिए पार कर सकता है और हमारा आखिरी पात्र मुनीश अमेरिका में कहीं खो गया है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।